नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई ओमान से रिलेटेड। जी हाँ साथियों, ओमान की कुछ अपडेट हैं, आप लोगों के साथ बात करेंगे। फ़्लाइट से ओमान से इंडिया के लिए फ़्लाइट, इंडिया से ओमान के लिए फ़्लाइट, और जिनके वीज़ा एक्सपायर हो चुके हैं ओमान में, उससे रिलेटेड हम बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें, फेसबुक पेज वाले पे पेज को फॉलो करके रखें, ताकि आपको गल्फ कंट्री से रिलेटेड, ओमान से रिलेटेड सही इन्फॉर्मेशन समय के अकॉर्डिंग मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं पहले कोरोना अपडेट की, क्योंकि कोरोना इज द बेस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आज का टाइम पे चल रहा है। इसी की मेहरबानी है कि हम लोग अस्त व्यस्त आप लोग हो रहे हैं। ओमान में अगर कोरोना की बात करें एक्टिव केस की, तो लगभग 96,000 के करीब एक्टिव केस हैं। जी हाँ, 96,000 एक्टिव केस हैं। उसमें डेथ की बात करें तो लगभग 900 लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है, 885 लोग अभी तक इस कोरोना की वजह से मारे जा चुके हैं, 87,000 लोगों को रिकवर कर लिया गया, यानी रिकवर की संख्या बहुत अच्छी है। यानी मैं बता दूं, 96,000 में से लगभग 87,000 लोगों को रिकवर कर लिया, यानी एवरेज अगर देखा जाए तो 8,000 के लोग अभी तक 8,000 के करीब लोग अभी तक पॉजिटिव हैं, केस एक्टिव केस 8,000 हैं, बाकी सबको रिकवर कर लिया है, यानी ठीक है, लगभग 98% लोगों को रिकवर कर लिया गया, अच्छी न्यूज है ये। तो मैं तो ये मेरी यह मानना है कि जितनी ज़्यादा रिकवरी होगी, केस डाउन होंगे, उतना ही आप लोगों के लिए अच्छा होगा, फ्लाइट वीज़ा टिकट वगैरह सब रूटीन में सिस्टम आ पाएगा। तो ये हो गई कोरोना अपडेट की बात। अभी सेकंड बात हम कर लेते हैं कि भाई सरकार ने, ओमान सरकार ने ये घोषणा की है कि जिनके वीज़ा 2020 में जिनके वीज़ा ओमान में कैंसिल हो गए थे, जो खली बली हैं, जो बिना वीज़े के इलीगल तरीके से रह रहे हैं, जिनका जुर्माना बढ़ चुका है, उनके लिए सरकार ने घोषणा की कि वो लोग ओमान छोड़ सकते हैं, उनका कोई एक्स्ट्रा चार्ज या फिर जुर्माना आपको नहीं भरना पड़ेगा। ये आप लोगों के लिए अच्छी न्यूज़ है। जिनके वीज़ा यानी 1 जनवरी 2020 के बाद में जिनके वीज़ा ख़त्म हुए हैं, यानी 19 की तरफ नहीं, 20 की तरफ, आगे की तरफ बात कर रहा हूँ, जिनके वीज़ा एक्सपायर हो चुके हैं, जुर्माना बढ़ चुका है, इंडिया आना चाहते हैं, जुर्माना नहीं भर पा रहे हैं, उनके लिए बेस्ट न्यूज़ है भाई, सरकार ने घोषणा की कि वो बिना जुर्माना पे किए अस्थायी तौर से आप ओमान छोड़ सकते हैं, आपको कोई जुर्माना एयरपोर्ट पे देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप लोगों के लिए अच्छी न्यूज़ है। आगे हम बात कर लेते हैं फ़्लाइट से रिलेटेड। इंडिया से भी फ़्लाइटें हैं कुछ, और उधर से भी फ़्लाइटें हैं, तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। बता दूं, एयर इंडिया एक्सप्रेस की मैं फ़्लाइट की बात कर रहा हूं, बुकिंग ओपन है, कन्नूर टू दोहा, बेंगलुरु कन्नूर, ऐसे लिखा है, 7 अक्टूबर, 14 अक्टूबर एंड 21 अक्टूबर की इसमें फ़्लाइट दे रखी है। अब सेक्टर की बात कर लें, कन्नूर से दोहा के लिए फ़्लाइट है, दोहा से बेंगलुरु के लिए, बेंगलुरु कन्नूर के लिए फ़्लाइट है। जी हाँ साथियों, ये डेट मैंने आपको बता दिया है, ये इंडिया से जाने वाली फ़्लाइटें हैं। अब आगे हम बात कर लेते हैं भाई, इंडिया उधर से इंडिया फ़्लाइट आने वाली है। जी हाँ, 1 अक्टूबर को मस्कत से दिल्ली के लिए फ़्लाइट है, फिर आपके त्रिवेंद्रम के लिए फ़्लाइट है, 1 अक्टूबर की बात कर रहा हूँ, फिर कन्नूर कोची के लिए फ़्लाइट है, 2 अक्टूबर को साथियों मस्कत से बॉम्बे के लिए फ़्लाइट है, 2 अक्टूबर को फिर सिलीकुट के लिए फ़्लाइट है, कोची के लिए फ़्लाइट है, 3 अक्टूबर को चेन्नई के लिए फ़्लाइट है। आगे हम बात कर लेते हैं भाई, देखा जाए इसमें 3 अक्टूबर को लखनऊ दिल्ली, जी हाँ साथियों, मस्कत से लखनऊ और दिल्ली दोनों का शेड्यूल एक साथ में है, तो आप इसमें देख सकते हैं, 3 अक्टूबर को फिर आपको मस्कत से कन्नूर के लिए फ़्लाइट है। जी हाँ साथियों, 3, और आगे बात करें 3 अक्टूबर को फिर सलाला से सिलीकुट त्रिवेंद्रम के लिए फ़्लाइट है। जी हाँ, 4 अक्टूबर को मस्कत से दिल्ली के लिए फ़्लाइट है, 4 अक्टूबर को फिर मस्कत से विजयवाड़ा हैदराबाद के लिए कॉमन साथ में फ़्लाइट है, 6 अक्टूबर को मस्कत से चेन्नई के लिए फ़्लाइट है, 7 अक्टूबर को मस्कत से बॉम्बे के लिए फ़्लाइट है, 7 अक्टूबर को फिर मस्कत से तिरुचिपल्ली के लिए फ़्लाइट है, 8 अक्टूबर को मस्कत से विजयवाड़ा हैदराबाद के लिए फ़्लाइट है, 8 अक्टूबर को फिर मस्कत से दिल्ली के लिए फ़्लाइट है। दिल्ली वाले भाई देख सकते हैं, जिसमें राजस्थान, यूपी, बिहार, अपने दिल्ली, हरियाणा, पंजाब वगैरह सब कंट्री, सब स्टेट आ जाएंगे इसमें। 8 अक्टूबर को फिर फ़्लाइट है सलाला से कन्नूर बॉम्बे के लिए, 9 अक्टूबर को मस्कत से बॉम्बे के लिए फ़्लाइट है, 9 अक्टूबर को फिर मस्कत से सिलीकुट फ़्लाइट है, 9 अक्टूबर को फिर मस्कत से कोची के लिए फ़्लाइट है, 10 अक्टूबर को मस्कत से चेन्नई के लिए फ़्लाइट है, 10 अक्टूबर को सलाला से सिलीकुट त्रिवेंद्रम के लिए फ़्लाइट है। जी हाँ साथियों, ओमान के लिए आगे हम बात कर लेते हैं भाई, 11 अक्टूबर को मस्कत से दिल्ली के लिए फ़्लाइट है, फिर 11 अक्टूबर को मस्कत से कोची के लिए फ़्लाइट है, 12 अक्टूबर को मस्कत से सिलीकुट के लिए है, 13 अक्टूबर को फिर चेन्नई के लिए फ़्लाइट है, 14 अक्टूबर को मस्कत से बॉम्बे है, 14 अक्टूबर को फिर मस्कत से तिरुचिपल्ली फ़्लाइट है, 15 अक्टूबर को मस्कत से दिल्ली के लिए फ़्लाइट है। जी हाँ, 15 अक्टूबर को फिर मस्कत से त्रिवेंद्रम के लिए फ़्लाइट है, 15 अक्टूबर को फिर सलाला से कन्नूर कोची के लिए फ़्लाइट है, 16 अक्टूबर को मस्कत से बॉम्बे के लिए फ़्लाइट है,
17 अक्टूबर को फिर मस्कत से चेन्नई के लिए फ़्लाइट है। 17 अक्टूबर को फिर बता दूं आपको सलाला से सिलीकोट त्रिवेंद्रम फ़्लाइट है। 18 अक्टूबर को फिर मस्कत से दिल्ली के लिए फ़्लाइट है। 18 अक्टूबर मस्कत से त्रिवेंद्रम फ़्लाइट है। 20 अक्टूबर मस्कत से चेन्नई फ़्लाइट है। 21 अक्टूबर मस्कत को बॉम्बे के लिए फ़्लाइट है। 21 अक्टूबर फिर मस्कत से तिरुचुपल्ली फ़्लाइट है। 22 अक्टूबर को मस्कत से दिल्ली के लिए फ़्लाइट है। 22 अक्टूबर को मस्कत से विजयवाड़ा हैदराबाद के लिए फ़्लाइट है। 23 अक्टूबर को मस्कत से बॉम्बे के लिए फ़्लाइट है। 24 अक्टूबर को मस्कत से चेन्नई के लिए फ़्लाइट है। तो साथियों ये लगभग बता दूँ 40-42 के करीब फ़्लाइटों का शेड्यूल मैंने आप लोगों को बताया है। एक्चुअल में ये फ़्लाइटें जैसे इधर 5-7 स्टेटों की हम बात करें, जिसमें राजस्थान हो गया, यूपी, बिहार, ये अपने दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, ये जितने भी हिमाचल वगैरह, इन 5-7 स्टेटों का एक ही फ़्लाइट है दिल्ली। और सबसे कम अगर देखा जाए तो दिल्ली की फ़्लाइटें सबसे ज़्यादा, आपको पता भैया रोज़ जो फ़्लाइटें जाती हैं तिरुचुपल्ली, उधर हैदराबाद, चेन्नई वगैरह सब फ़्लाइटें हैं। बॉम्बे की भी ठीक हैं, 5-7-8 फ़्लाइटें हैं। फ़्लाइटें कन्फर्म है, वंदे भारत 6 में ये फ़्लाइटों का शेड्यूल रहेगा। जी हाँ साथियों, वंदे भारत 6 में ये फ़्लाइटें हैं। और मैंने आपको शुरू में बताया इंडिया से भी जाने वाली है मस्कत ओमान के लिए, और ओमान से इंडिया आने वाली फ़्लाइटों का शेड्यूल ये ज़्यादा है, मैंने आप लोगों को बता दिया। बाकी आप जब भी टिकट बुक करवाएं तो आप अपने स्तर पे टिकट जो बनाने वाले हैं उनसे कन्फर्म कर लीजिए। ये सिर्फ एकमात्र शेड्यूल है, ये कन्फर्म लगभग होता है, लेकिन हो सकता है 1 महीने का शेड्यूल है, आगे पीछे टिकटें फ़्लाइटें हो जाएँ, कन्फर्मेशन नहीं मिले वगैरह वगैरह, कई प्रॉब्लम हो जाती हैं। बाकी टिकटें डायरेक्ट आप कहीं से भी ले सकते हैं, वो चक्कर नहीं है कि आप एम्बेसी से कॉल आएगा और बुकिंग वाला, कोई चक्कर नहीं है, कोई ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है, कोई आपको एम्बेसी की ज़रूरत नहीं है। आपको हालांकि इन चीज़ों को पता ही है, जब भी आओ भाई बेस्ट ऑप्शन ये है, COVID-19 टेस्ट का रिपोर्ट, नेगेटिव रिपोर्ट साथ में लेके आओ, 96 आवर्स पहले का होना चाहिए ताकि आपको सीधा एयरपोर्ट से घर जाने का मौका मिल जाए, क्वारंटाइन होने का चक्कर ना पड़े। तो ये अच्छी न्यूज़ है आप लोगों के लिए, मेरे हिसाब से ये जानकारी आपको अच्छी लगेगी। 3 टॉपिक पे मैंने आपको जानकारी दी है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी जानकारी के साथ। जय भारत।